प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम प्रोजेक्ट आइडिया। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चीज़ पे काम करेंगे वो एक RFID मॉड्यूल है। उसको कैसे हम एक आर्डिनो से कनेक्ट करके और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर्सनल लॉक या डोर लॉक या ऑफिसेज वगैरह में। इसके लिए हमें जो चाहिए होगा कुछ जम्पर वायर, आर्डिनो और एक RFID मॉड्यूल। RFID मॉड्यूल को मैं इस तरीके से एक ब्रेडबोर्ड में लगाता हूँ। आपको मैं बता दूँ, RFID में 8 पिन्स होते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। इसमें जो पहला पिन होगा वो है आपको SDA। SDA पिन जो है वो आपको जाएगा डिजिटल पिन के नंबर 10 पे। और उसके बाद आपका SCK पिन है जो कि ये जाएगा डिजिटल पिन के 13 नंबर पे। जो थर्ड पिन है थर्ड पिन जो है वो आपको जाएगा नंबर डिजिटल पिन के नंबर 11 पे। मैं आपको सर्किट डायग्राम भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से ये पिने जाएंगे। उसके बाद अब मेरे को आर्डिनो कनेक्ट कर लेना है और मैं अब अपना कोड खोल लेता हूँ। कोड ओपन करेंगे, उससे पहले अपने आर्डिनो को सेलेक्ट करेंगे। हम कौन सा आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं, फिर अपना कॉम पोर्ट से, हमारे केस में ये कॉम पोर्ट 3 पे लेता है, आपका अलग भी हो सकता है। उसके बाद आप अपलोड कर देंगे कोड को। कोड अपलोड होते ही कोड अभी अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। ये हो गया, ये अपलोडिंग हो रही है, ये डन अपलोड हो गया। अब उसके बाद मैं इसकी सीरियल नंबर मॉनिटर को ओपन कर लूँगा राइट हैंड साइड से। ये उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे कार्ड यूज़ करना है उस कार्ड को मैं प्लेस करूँगा। तो ये एक नंबर, एक टैग नंबर आ जाती है, सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले करेगा, तो ये टैग नंबर आ जाएगी। आप जब RFID मॉड्यूल पे ये कार्ड लगाएंगे तो ये एक नंबर डिस्प्ले कर जाएगा सीरियल मॉनिटर पे। उसको आप कॉपी करके फिर से इसी प्रोग्राम में आपको पेस्ट करना होगा। इसी के नीचे आपको देख लीजिएगा, वहाँ यू टैग लाइन नंबर के वजह से ये होता है। जैसे यहाँ पे आप इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा, फॉलो करिएगा, तो आप कर लीजिए। यहाँ पे इसको पेस्ट करके फिर दोबारा से ये कोड अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करते ही आपका ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब हम इसे चेक कर लें। अब जैसे ये मैं कार्ड लगा रहा हूँ, तो ये कार्ड लगते ही ये रीड नहीं करेगा, तो ये रीड नहीं किया। अब मैं जो कार्ड जो हमने असाइन किया है वो कार्ड में लगाऊंगा, तो देखिए ये ग्रीन लाइट भी जल जाएगी और हमारा रिले भी ऑन हो गया। रिले पे आप कोई भी लोड दे सकते हो 220 वोल्ट्स के। तो इस तरीके से आप अपना एक RFID कनेक्ट कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।